चलो देखो बेटा, ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में ये टर्म आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है ना, ध्यान से समझना क्या करना है इसके। मुझे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर दूंगे, ये चीज़ ऐड कर दूंगे, ऐड करिए तो क्या करूँगे, सब्ट्रैक्ट भी करूँगे साथ में, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा वन। तो ये ध्यान रखो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हमेशा क्या रखोगे तुम यहाँ पर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ये शो करना है तुमको, है ना। अब सेकेंड चीज़ समझो, अगर क्यूब आ जाए यहाँ पर, मान लो ऐसा आ जाए, साइन थीटा की पावर सिक्स प्लस कॉस थीटा की पावर सिक्स, क्या लिखोगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। खटोट बता बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, वेरी गुड सावन, बता बेटा क्या होता है ए क्यूब प्लस बी, इतने जल्दी नहीं है, आराम से बता दे क्या होता है बेटा, अक्षत बताओ बेटा, क्लैपिंग कर दो अक्षत के लिए सब, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा ए, और ये क्या हो गया बी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। बेटा कुछ ही नहीं है, अपन को ये चीज़ पता है तो अपन को ये निकालनी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म में लेके आना है हमेशा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा बेटा वन। अब क्या बच गया मेरे पास, साइन थीटा की पावर फोर प्लस कॉस थीटा की पावर फोर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला स्टेप तुमको वापस रिपीट करना है ना, कौन से वाले स्टेप, ये वाले स्टेप, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा, साइन थीटा की पावर सिक्स प्लस कॉस थीटा की पावर सिक्स, ये कितना होगा, साइन थीटा की पावर फोर प्लस कॉस थीटा की पावर फोर, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी क्या होगी, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन लेते हैं बेटा, है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन से। अब देखो ध्यान समझो कैसे करना है, जब भी बेटा पावर सिक्स आ जाए फोर आ जाए हमेशा ये लॉजिक लगाना है तुमको, है ना, एट वाला भी बात करूंगा मैं भी इसके बाद। अब क्वेश्चन क्या है, टू साइन थीटा की पावर सिक्स प्लस कॉस थीटा की पावर सिक्स माइनस थ्री कॉस थीटा की पावर फोर प्लस साइन थीटा की पावर फोर प्लस वन इक्वल टू, क्या प्रूव करना है मेरे को, जीरो के। अभी मैंने सॉल्व किया था इसको, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एग्जाम में करके आना है ना, ध्यान रखना, डायरेक्ट मैं लिख देना इसको, कितना हो जाएगा, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। मैंने क्या लिया बेटा, एल एच एस लिया अभी, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री प्लस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। ये और ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल, टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, थ्री माइनस थ्री, आंसर कितना आ गया बेटा, शून्य, क्या बोलते हैं, शून्य आ जाएगा, जीरो, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, देखो क्या है, साइन थीटा की पावर सिक्स प्लस कॉस थीटा की पावर सिक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, किसके प्रूव करना है, वन के। अभी तुमको बताया था स्टेप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
क्या लिया है मैंने LHS, ये कैंसिल हो गए, किसके इक्वल आ गया बेटा 1 के। स्टेप्स तुमको जो पहले बताए थे वो रिपीट करने हैं इसके अंदर, क्लियर है बेटा बात ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है इसके अंदर, पावर 8 का क्वेश्चन है ना इसमें, साइन थीटा और इनकी पावर कितनी है 8, क्या लगाना है तुमको फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन। क्वेश्चन क्या है बेटा, साइन थीटा की पावर 8 माइनस कॉस थीटा की पावर 8, और ये इक्वल टू तुम्हें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से फैक्टराइज करोगे, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, क्या लिखोगे, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके तुमको इसको करना है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा LHS, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा की पावर 4 माइनस कॉस थीटा की पावर 4, ये वाला अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, किसके इक्वल आया था बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आगे फैक्टराइज कर दो, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या कर दोगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया 1। अब 1 लिखते ही क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो गया बेटा 1 के इक्वल, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया ये कैसे करना है तुमको ये, ठीक है। क्लियर बेटा, ये क्यूब वाले पावर 4 वाले पावर 8 वाले फैक्टराइजेशन यूज़ करते हुए करना है ना, अगर पावर 6 आ जाए तो गारंटी उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगा, है ना, इस चीज़ को समझना है ना, ठीक है। अब अपने पावर 12 वाला भी किया था कॉस वाला, पहले वाले जो वीडियो थे उसमें बनने हैं उस क्वेश्चन पावर 12 वाला, उसको भी देखना है, उनपे क्या बनाया था अपन ने ए प्लस बी का क्यूब बनाया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैंने बोला तुमको चलो एक क्वेश्चन देख लो छोटा सा है ना, देख लो 1 प्लस टेन ए टेन बी का होल स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस टेन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू तुम्हें प्रूव करना है सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी के, क्या लगाऊंगा इसमें आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और क्या हो गया टेन ए टेन बी प्लस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी प्लस माइनस क्या आएगा माइनस आएगा माइनस 2 टेन ए टेन बी, अब बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब बचेगा तो क्या तुम्हारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए टेन बी प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन बी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या क्या बच जाएगा मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा टेन स्क्वायर बी, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके आगे 1 लिख देता हूँ मैं, प्लस मैंने क्या कॉमन लिया टेन स्क्वायर बी कॉमन लिया, तो ये कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब मुझे बताओ क्या कॉमन आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और क्या बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है बेटा सेक स्क्वायर ए के, और ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर बी, क्लियर है बेटा लॉजिक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, अब एक लॉजिक समझना है ना, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा,
तो अगर मैं लिखूंगा sec square theta minus sin square theta, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो है ना, sec square theta minus tan square theta इक्वल टू किसके, 1 के। तो sec theta plus tan theta मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, sec theta minus tan theta इक्वल टू किसके हो गया, 1 के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, sec theta plus tan theta इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन sec theta minus tan theta। और मैं क्या लिख सकता हूँ, sec theta minus tan theta इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन sec theta plus tan theta। अब मान लो कि मैंने क्वेश्चन नंबर क्या दिया है बेटा, ये लॉजिक इसमें लग सकता है, cosec square minus cot square में। भाई अगर मान लो मैंने ये लिखा है यहाँ पर cosec square theta minus cot square theta किसके इक्वल होगा, 1 के। सिमिलरली स्टेटमेंट लिख सकता हूँ मैं, cosec theta plus cot theta मल्टीप्लाइड बाई cosec theta minus cot theta कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से सिमिलर स्टेटमेंट लिख सकता हूँ मैं, cosec theta plus cot theta बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cosec theta minus cot theta। और क्या लिख सकता हूँ मैं, cosec theta minus cot theta इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cosec theta plus cot theta। अगर मैंने तुमको बेटा आंसर देखो क्वेश्चन कैसा आता है, तुम्हें बोलेगा sec theta plus tan theta x है, फाइंड वैल्यू ऑफ sec एंड tan theta, और sin भी पूछ सकता है तुमसे कि sin theta की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये लॉजिक तुमको यूज करना है ना, और साथ में ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि cosec theta plus cot theta बराबर x है, फाइंड वैल्यू ऑफ cosec theta एंड cot theta, समझ गए। अब मान लो कि क्वेश्चन कैसा है तुम्हारे पास, सपोज करो मेरे को बोला, देखो ध्यान समझो, अगर मैंने बोला sec theta plus tan theta x है, तो sec theta minus tan theta कितना हो जाएगा, 1 upon x, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उसका, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने क्या बोला तुमको, मैंने बोला sec theta plus tan theta बराबर x के है। अब तुमको मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ sec theta एंड tan theta। तो बेटा मुझे बताओ, अगर sec theta plus tan theta x है, तुमको ये साथ में लिखना है ना जस्टिफिकेशन में, मतलब साथ में लिख के लिखते हुए चलना है इसको। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, sec theta minus tan theta किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई x के। अब दोनों क्या कर देता हूँ बेटा, ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 2 sec theta इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। sec theta कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाई टू ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x। अब तुम्हें मान लो कि तुमसे बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ tan theta, तो दोनों क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दिस माइनस दिस। अगर तुमसे पूछा है tan theta, तो दिस माइनस दिस मैं करूंगा, तो sec theta प्लस tan theta माइनस sec theta प्लस tan theta, sec theta कट जाएगा, और ये कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2 tan theta इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x। तो tan theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2 x माइनस 1 अपॉन x, आएगी नहीं आएगी बताओ, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन इसी में बन सकता है बेटा, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, cosec theta प्लस cot theta बराबर x दे रखा है। अब तुमको बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ cosec theta एंड cot theta। देखो बेटा, अब तुम्हें sec theta पता लग गया, tan theta पता लग गया, तुम sin theta भी निकाल सकते हो। अगर मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ sin theta, क्या बोला तुमको मैंने, फाइंड वैल्यू ऑफ sin theta, तो sin theta को बेटा तुम क्या लिख सकते हो, देखो tan theta इंटू sec theta लिख सकते हो, लिख सकते बताओ मेरे को। अब tan theta की वैल्यू तुमको पता है, तो sin theta की कितनी हो जाएगी, 1 बाई टू ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x, और कितना हो जाएगा, 1 बाई टू ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x, तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाई फोर आ जाएगा, यहाँ से आएगा नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बाई फोर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब तुमको तीनों चीज़ें पता है, क्या पता है, साइन पता है, टेन पता है, और क्या पता है, सेक पता है। कॉस पूछा है तो उसका उल्टा कर दो, अगर तुमसे कॉट पूछा है तो इसका उल्टा कर दो, और अगर तुमसे क्या पूछा है बेटा, कॉसेक पूछा है तो इसका उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न बेटा इसके अंदर लगेगा, cosec theta प्लस cot theta x है, तो cosec theta माइनस cot theta क्या कर देना, 1 बाई x, ऐड कर देना, सब्ट्रैक कर देना, cosec की वैल्यू आ जाएगी, cot की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न में ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना बेटा, कन्फ्यूज मत होना अगर इस टाइप का आ जाए तो, समझ गए इस लॉजिक को, ठीक है। अपॉन आएगा, इसको कट करना पड़ेगा बेटा, है ना, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, सही बोल रहा है, फ्लो में गलत बोल गया मैं ना, रट के आया था बेटा, है ना, साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, टेन थीटा डिवाइड बाई
sec थीटा है ना, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डिवाइड बाई 1 बाई टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, 1 बाई टू से 1 बाई टू कर जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स, एक्स एक्स कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या हो गया बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे को? ऐसे चेहरा कैसे हो रहा है तेरा? कोई बात नहीं बेटा, है ना, मेहनत करेगा सीख जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे चेहरा लेके बैठे हो, मैंने कहा क्या हो गया इसको, एकदम से बता दूँ इसको, समझ में आ गई? एग्जाम में आने का चांस है बेटा, क्वेश्चन का ध्यान रखना है इसका, बहुत छोटा क्वेश्चन है। किसकी जैसा है? मैंने कटोरे, सही है यार, मैंने बोला ही नहीं कटोरे देख, मतलब कितना मजाक उड़ा दे रहे यार, ये गलत बात है। विशेष ने तो कटिंग करा ली बेटा, कटिंग कराने से ऐसा नहीं है कि दिमाग तेज चलेगा तुम्हारा, बहुत लोगों ने कटिंग कराई है, ठीक है। ऐसे लोग सोचते हैं कि कटिंग कराने से जो रेज आएगी वो सीधे पहुंच जाएगी इस दिमाग में, ना बाल लंबे हो, दिमाग को एनर्जी कम ज्यादा एनर्जी लेगा कैसे? चलो कोई बात नहीं, अपने मन से ही, चलो कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन, एक बेटा ध्यान समझ लो, एक कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान समझना। अगर मैंने तुमको ये बोला कि, ध्यान समझना, साइन थीटा इंटू मैंने बोला सेक टू थीटा बराबर किसके वन के, किसके वन के। अब मैंने तुमको बोला फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, है ना। अब इसके पहले बेटा एक लॉजिक समझना ध्यान से ना, अगर मैं तुमको बोलता हूँ, यहाँ पर मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर किसके है, कॉस थीटा के। अब मैंने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, तो बेटा ये तुमको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाई टू। मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ भी साइन है तो इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। ध्यान समझना इसको, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो दोनों तरफ साइन है तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, एंगल को कंपेयर कर सकता हूँ। अगर दोनों तरफ टैन है जब भी मैं एंगल को कंपेयर करूंगा, ऐसे मत कर देना कि ये थीटा बराबर थीटा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 45 डिग्री। अब मैंने क्वेश्चन क्या दिया, साइन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1। अब इसको तुम ये लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, साइन चाहिए, या इसको कॉस में कन्वर्ट कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। एंगल को कंपेयर करना है मेरे को, जब भी वैल्यू निकलेगी थीटा की तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 थीटा, हो गया यहाँ पर। अब दोनों तरफ साइन आ गया, क्या कर सकता हूँ, एंगल को कंपेयर कर सकता हूँ, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 90 माइनस 2 थीटा, तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 अपॉन 3, मतलब कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया नहीं है बेटा, साइन है तो साइन से कंपेयर करना है, कॉस है तो मतलब कॉस है तो कॉस लाना है, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, है ना। अब मान लो देखो बेटा पैटर्न देखो, समझो ध्यान से ना। अब मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा और मैंने यहाँ पे दे दिया तुमको कॉसेक 5 थीटा इक्वल टू कितना है 1। अब लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पर, इसको क्या करना है, नीचे ले जाऊँगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 5 थीटा में, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा 5 थीटा। अब क्या है यहाँ पर कॉस है यहाँ पे साइन है, तरीका क्या है 90 माइनस थीटा करने का, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 5 थीटा। अब मैं एंगल्स को क्या कर सकता हूँ बेटा, कंपेयर कर सकता हूँ, आ जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 5 थीटा, 6 थीटा इक्वल टू 90, थीटा कितना होगा 90 बाई 6, आंसर कितना आ जाएगा 15 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा 15 डिग्री। ये लॉजिक ध्यान रखना है ना, समझ में आ गया, ठीक है। और कल अपन बात करेंगे किसकी, हाइट एंड डिस्टेंस की, है ना, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़ा सा पढ़ के आना बेटा, है ना। चलो अब ये भी पढ़ लेना भाई।